साना साना हाथ जोड़ी हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका 2 से ली गई है। इसकी लेखिका मधु कांकरिया हैं। इस यात्रा वृतांत में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। हिमालय के सौंदर्य को महसूस कराने का यह यात्रा वृतांत वाकई में पहाड़ों में रहने वाले लोगों की कठिनाइयों में भी हंसते हुए जिंदगी को जीने का प्रमाण है। यह यात्रा सिर्फ हिमालय की नहीं बल्कि प्रेम और उल्लास की यात्रा है। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गैंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अंतिद्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौसले। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी, न दिखी, पर सामने की रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नारगे मुझे बता रहा था, क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ, चलिए तो। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं किसी ध्वज की तरह लहराती। शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नारगे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नारगे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीप पर लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज खे बमसन ने लेपचाओ के शोमेन से कुंजते के साथ कुंज संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। ये क्या? नारगे कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील।
इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घेरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशाल काय होने लगा। उन भीम काय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप के खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कोंध मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तीस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति, मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाही कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे, सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई, मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल के सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जीतेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले, कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीला पन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवारों की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। चित्रा लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वह छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी।
नजारों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे। वहीं कहीं लिखा था, थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, उस पर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलौरे लेते प्रियुता और रुडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय तान और प्रवाह में बहते हुए, चैरवेती चैरवेती, और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ, जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी, साना साना हाथ जोड़ी, कि तभी वह अति द्रिय संसार खंड खंड हो गया, वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। मैंने देखा, इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी, गुथे आटे सी कोमल काया पर, हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे, कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी।